नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड ताखा के ग्राम उदयपुर कला में श्रीमद् भागवत में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पहुंचकर भगवान की आरती की। इंद्रिय बुद्धि से जो परे है वही भगवान है, जिसकी श्वासों में चारों वेद आश्रय पाकर धन्यता को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को पाने के लिए जीव को सकल संचार को प्रेममय देखना होगा। ग्राम उदयपुर कला में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह में प्रवचन करते हुए राष्ट्रीय संत विष्णु चैतन्य महाराज ने कहा कि शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है। भगवान को पाने के लिए संसार को हृदय से निकाल कर परमात्मा रूपी तत्व से भरना पड़ेगा। जीव ने जगत की माया को 10 रूपों में हृदय में बसा कर रखा है। माता पिता, परिवार, समाज, धन तन, भवन, प्रियजन आदि के मोह में फंसा हुआ जीव भगवान से भी कपट करने में तनिक नहीं सोचता है। कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान ने भक्त हित में अपना नाम रणछोर रखने में परहेज नहीं किया। वहीं 16,108 कन्याओं का वरण करके समाज में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को दिलाने का काम किया था। वहीं सुदामा के माध्यम से मित्रता की परिभाषा विश्व को दिखा दी, जिसमें अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं था। कार्यक्रम में प्रस्पाध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव यादव, चीनी पूर्व विधायक सिरसागंज हरिओम यादव आदि कई लोग उपस्थित रहे। गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।